हेलो एंड नमस्ते, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉमीलॉजी विद रेनू में। आज का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेव आवर किड्स एंड टॉडलर्स इन दिस समर सीजन। समर हैज कम और हमें अपने बच्चों को समर से बचा के रखना है, उन्हें हेल्दी भी रखना है, उन्हें एक्टिव भी रखना है और उन्हें समर से लड़ने के लिए फाइटर भी बनाना है। तो इसकी तैयारी अभी से ही हम लोग शुरू कर देंगे ताकि आने वाले 2-3 महीने में हमारे बच्चे स्ट्रांग इनफ हो जाएं कि समर से आराम से निपट पाएं अपने आप ही। तो ये जो मैंने आज पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं, ये नॉर्मली हर घर में कुछ ना कुछ तो हम लोग अप्लाई करते ही हैं, पर एक्चुअली हमें यहाँ थोड़ा रेगुलर होना है, कंसिस्टेंट होना है और स्ट्रिंजेंटली इन टिप्स को फॉलो करना है ताकि हमारे बच्चे इस समर सेफ रहे और हेल्दी रहे। नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो। पहला पॉइंट है बच्चों के लिए, उनको आप हल्के सूती के कपड़े पहनाएं। दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस एज अ मदर वी कैन फॉलो। आप उन्हें फुल स्लीव्स कपड़े सूती के पहनाइए। फुल स्लीव्स पहनने के 2 फायदे होंगे, एक तो आपके बच्चे मॉस्किटो के कहर से बचेंगे। मॉस्किटो ही नहीं, अगर आप बाहर बच्चे खेलते हैं तो उन्हें बहुत सारे बग्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स घूमते हैं तो वो कहीं ना कहीं बाइट कर देते हैं जिनसे उनका रैशेस निकल जाता है, तो उससे आपके बच्चे की बॉडी को बहुत ही रक्षा हो जाएगी। एंड सेकेंडली, अगर वो दिन में खेलते हैं तो सन रेज से बहुत ही रक्षा होगी अगर लाइट कॉटन कपड़ा पहनेंगे, वो भी फुल स्लीव्स, क्योंकि डार्क कलर सन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और बॉडी ज़्यादा गर्म होती है उससे। दिस इज़ द रीज़न बच्चों को हमेशा लाइट कलर के फुल स्लीव्स कपड़े कॉटन के पहनाइए, वो उनका समर में बहुत ही कंफर्टेबल वेयर होगा। सेकेंड विल बी ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ये आपकी बॉडी को ठंडा भी रखेगा और हाइड्रेटेड भी रखेगा। नॉर्मली हम जैसे एडल्ट्स को 8-10 ग्लासेस ऑफ वाटर, नॉर्मल ग्लास जो होता है इस साइज़ का, अराउंड 8-10 ग्लासेस ऑफ वाटर रिकमेंडेड है और बच्चों के लिए इसी नॉर्मल ग्लास का 4 ग्लासेस रिकमेंडेड है। अब इस 4 ग्लास में कोशिश कीजिए मैक्सिमम आप पानी तो रखेंगे ही, साथ में आप लेमोनेड रखिए, शिकंजी रखिए, कोकोनट रखिए और आगे भी बताऊंगी और क्या क्या लिक्विड ड्रिंक्स आप बच्चों को पिला सकते हैं जो कि उनके लिए बहुत ही कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा उनकी बॉडी में। थर्ड विल बी, एंड ये मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों को, कोशिश कीजिए जो ऑर्गेनिकली लोकली ग्रो होता है सीजनल फ्रूट्स वो खिलाएं। अगर ऑर्गेनिक नहीं भी मिलता है कोई बड़ी बात नहीं, आप जो लोकली ग्रोन फ्रूट्स हैं उनको खिलाइए, फ्रेश खिलाइए, अच्छे से वॉश करके खिलाइए। एंड कीप इट अ प्रैक्टिस कि आप रेगुलर हर दिन खिलाइए, यानी कि आज खिलाए 2 दिन बाद खिलाएंगे नहीं। एवरीडे उन्हें स्मॉल अमाउंट में ही दीजिए, मगर प्लेटर बनाइए जिसमें आपको येलो, रेड, ग्रीन सब तरह के फ्रूट्स मिला के आप दीजिए। वो बच्चों में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी को पूरा करेगा, उनकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी को पूरा करेगा, उनकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देगा। इसमें एम्पल नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल है जो कि बच्चों को बहुत ही हेल्प करेगा, बच्चों का इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखेगा। इससे बहुत ज़रूरी है बच्चों को लॉट्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स खिलाइए, जिसमें सिट्रस हो, वाटरमेलन टाइप का फ्रूट हो, एप्पल हो, बनाना हो, ये सब बच्चों को आप ज़रूर दीजिए रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नहाना हम लोग के लिए हर दिन ही ज़रूरी है, आप बच्चों को समर सीजन में ट्वाइस बात ज़रूर दीजिए। अगर ट्वाइस हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ट्वाइस तो मस्ट है। आप बच्चों को 2 बार नहाने की आदत बिल्कुल डाल दीजिए समर में, क्योंकि इनसे क्या होता है, बच्चे दिन भर जितना भी स्वेट, ग्राइंड, डर्ट जो भी अपने आप बॉडी में लेते हैं वो सब आप आराम से वॉशअप कर सकते हैं। इनसे उनका इन्फेक्शन का चांसेस भी बहुत कम होता है, जैसे भी वायरस बैक्टीरिया बॉडी में चिपक जाते हैं या रहते भी हैं तो वो सारे वॉश ऑफ हो जाएंगे, तो बच्चों को बहुत हेल्प करता है इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों को 4 ग्लासेस ऑफ वाटर इज़ मस्ट। उसके अलावा बच्चों को फ्रूट जूसेस दीजिए, लेमोनेड दीजिए, लस्सी दीजिए दही का, ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। अगर आप मिल्क शेक दे सकते हैं, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी में लॉट ऑफ विटामिन सी होता है तो वो बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में उन्हें मिलेगी। तो उस तरह का स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक अगर पीना पसंद करते हैं उन्हें वो दीजिए, नहीं तो लस्सी बना के दीजिए, लेमोनेड बनाइए, वाटरमेलन जूस दीजिए, कोकोनट जूस दीजिए, ये सब बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस है। और अगर आप इन सब चीज़ों को रेगुलरिटी के साथ यूज़ करेंगे तो आप बहुत जल्दी बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे, उनके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस हमेशा बने रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट का कभी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा और वो हमेशा ही एक्टिव और एनर्जेटिक फील करेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट वी ऑल वांट। घर में कोशिश कीजिए समर में आप अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी लाइट एंड हेल्दी फूड बनाएं। लाइट मीन्स बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी फूड मत दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस हैं जैसे लौंग है, गोल मिर्च है, ये सब बहुत ही हीट जनरेट करते हैं बॉडी में। विंटर्स में तो वी प्रिफर टू हैव स्पाइसी फूड, क्योंकि हम लोग काढ़े में भी ये सब चीज़ यूज़ करते हैं तो ये बॉडी को गर्म करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन यही चीज़ समर में ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए, या तो कोशिश करें थोड़ा सा अवॉइड ही करें, क्योंकि इनसे बच्चों की बॉडी में और भी ज़्यादा हीट जनरेट होती है और हम बड़ों के मुकाबले में बच्चों की बॉडी 4-5 times जल्दी गर्म होती है। इसलिए हमें इस बात की ख्याल रखनी है कि जो भी हम फूड कुक करते हैं वो कोशिश कीजिए उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, मसालों की मात्रा बहुत कम हो, हेल्दी हो, फ्रेश हो और लेस ऑफ स्पाइसेस के साथ हो, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत क्लियर रखेगी। गर्मियों में अक्सर आप डायरिया की भी शिकायत देखेंगे तो वो भी बहुत कम होगा और आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे। अगर आपके बच्चे आउटडोर्स जाते हैं
तो मेक श्योर इंडोर भी रहे तो भी, क्योंकि अभी समर्स है तो आपका अगर घर वेंटिलेटेड है, विंडोज खोल के रखते हैं हम लोग, तो सनरेज तो आता ही है, तो बच्चों को सनस्क्रीन जरूर लगाइए। बच्चों के लिए सनस्क्रीन अराउंड 15-30 SPF का ही लगाना उचित रहता है। एक अच्छे SPF का सनस्क्रीन लोशन लगाएं, और जैसा कि मैंने कहा कि आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों की ज़्यादा रहती है, तो आप यहाँ पर सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर कीजिए। बच्चों को 15-30 SPF का रिकमेंडेड है, तो आप उस वैसा ही लेवल का सनस्क्रीन खरीदिए, और बच्चों को ज़रूर घर में भी रहे तो आफ्टर टेकिंग बाथ लगा दीजिए फेस पे, जो भी उनका ओपन पार्ट्स है बॉडी का, और जब बाहर जाते हैं तो मेक श्योर कि वो ये 15 से 20 मिनट पहले ये सनस्क्रीन अपने बॉडी में लगाएं, ताकि उनके बॉडी में टैनिंग ना हो, UVA UVB रेज जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं स्किन के लिए, जो आगे जाके स्किन कैंसर भी क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है उनको कंट्रोल करना। एंड दीज SPF कंटेनिंग सनस्क्रीन लोशन्स आर वेरी गुड, और हमें इसे बच्चों पे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा कोशिश कीजिए बच्चों 11-4 PM के बीच में बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, और मैं तो कहूँगी भेजिए ही मत, क्योंकि उस समय UVB UVA रेज बहुत ही ज़्यादा होता है, और बच्चों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो वो उस समय बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है उनके स्किन को। तो कोशिश कीजिए अगर उनका प्ले टाइम भी देना है तो 10-10:30 से पहले उनको खेलने भेजिए बाहर, और इवनिंग में भेजना है तो 4:30-5 के बाद ही इवनिंग में बाहर उनको घर से निकालिए खेलने के लिए, ताकि उनकी बॉडी सेफ गार्डेड रहे अगेंस्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं जो अपनी बेटी के लिए प्रेफर करती हूँ सनस्क्रीन लोशन, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, तो मैं पर्सनली जो मैं बेटी के लिए यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं यहाँ लेके ही बैठी थी, मैं ये चीकू का सनस्क्रीन लोशन यूज़ करती हूँ, और इसके इफेक्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं, तो ये आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं अपनी बेटी पे यूज़ करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत उसको सूट करता है। उसके बाद आपकी खुद की चॉइस है, हर मदर का अपना प्रेफरेंस होता है, तो मेरा ये प्रेफरेंस है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा आपके बच्चे आउटडोर्स जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि जब वो आउटडोर्स जा रहे हैं तो उन्हें मॉस्किटो से भी हमें बचाना है। फुल सेफ क्लोथ तो आपने पहना ही दिया है, उसके अलावा और भी हम लोग कौन कौन सा सेफर मेजर्स ले सकते हैं उन्हें मॉस्किटो या इंसेक्ट या बग्स के बाइट से बचाने के लिए? उनको आप मॉस्किटो का रेपेलेंट ऑयल जो आता है वो ज़रूर लगाइए। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो जेल भी आजकल बहुत अच्छे से अवेलेबल है मार्केट में, तो वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि जेल आपका वाटर बेस्ड होता है तो वो स्वेटिंग क्रिएट नहीं करेगा, तो वो आप बच्चों को ज़रूर लगाना शुरू कीजिए। उसके अलावा गुड नाइट का भी जो आता है 4 ड्रॉप्स का जो आता है कपड़े में लगाने का फैब्रिक रोल ऑन, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आउटडोर जाने के बाद आपको बहुत ज़रूरी है बच्चों को मॉस्किटो इंसेक्ट और बग से भी बचाने का, तो उसका सबसे आसान इलाज जो मुझे लगता है जो मैं अपनी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ, प्लीज़ ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या यूज़ करती हूँ। तो ये एक मैंने ऑयल खरीदा था, सिट्रोडिल ऑयल शायद कहते हैं इसे, एक्चुअली ये इट्स अ बिट कॉस्टली, बट ये मेरा 2 साल आराम से चल गया है, तो मुझे लगता है ये जस्टिफिकेशन है उस कॉस्ट का, ये आप भी खरीद सकते हैं। दिस आई हैव बॉट फ्रॉम फैब इंडिया, एंड ये बहुत ही एक्सीलेंट ऑयल है। जब भी मैं अपनी बेटी को बात देती हूँ, उसके बाद में जब मैं क्रीम लगा देती हूँ उसकी बॉडी में, तो मैं ये ऑयल उसके बॉडी में जो जो ओपन पार्ट्स है, हैंड है, लेग्स है, ये एरिया है, यहाँ पर मैं उसे लगा देती हूँ, एंड मैं सोचती हूँ कि इससे बहुत रक्षा होती है उसकी। उसके अलावा भी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो मैं ये चीकू का मैं मॉस्किटो प्रोटेक्शन जेल यूज़ करती हूँ, ये भी आप उसके ओपन पार्ट्स में लगा दीजिए, ताकि बच्चों को गर्मी भी ना लगे एंड वो अपना प्ले टाइम भी इंजॉय करें। अब अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं और अगर कंपलसरी हो जाए कि जाना ही है दिन में, तो उनके हेड को आप हमेशा कवर कर दिया कीजिए, हैट से कीजिए या स्कार्फ से कीजिए, मगर मेक श्योर कि उनका हेड कवर हो, क्योंकि बेसिकली हमारा हेड ही है जो हीट को जल्दी अब्जॉर्ब करता है। सबसे पहले तो ये टॉप पार्ट है, सेकंड रीज़न इज़ वी हैव ब्लैक हेयर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया डार्क चीज़ हमेशा हीट जल्दी अब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप बच्चों को या तो हैट पहना दें या तो उन्हें स्कार्फ से कवर कर दें। आप खुद भी अपने आप को स्कार्फ से कवर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रक्षा करेगा आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देने में। इसके बाद आता है आपको आइज़ को प्रोटेक्ट करना है। कई बच्चे बाहर जाते हैं तो उन्हें सन से एलर्जी होने लगती है, या इतनी स्कॉचिंग हीट होती है, आपका स्वेट गिरने लगता है आइज़ के पास, या नॉर्मली हीट से भी आपको बहुत ही रैशेस आने लगते हैं, आप खुजली करना शुरू कर देते हैं, इरिटेशन क्रिएट होता है, पूरे आइज़ रेड हो जाते हैं, यहाँ स्वेलिंग हो जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा सन प्रोटेक्टिंग ग्लास खरीदें बच्चों के लिए भी। जब भी वो बाहर जाए उन्हें बताइए कि आपकी आइज़ की रक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आप अपने बॉडी की रक्षा कर रहे हैं कपड़े पहन के, हेड की रक्षा कर रहे हैं, सेम वे अपनी आइज़ की भी रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा सन ग्लास का ज़रूर स्पेंड कीजिए बच्चों के लिए भी, और उन्हें उसे हैंडल करने का तरीका भी ज़रूर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल, मैंने कुछ दिनों में बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी इसके पढ़े थे न्यूज़पेपर में। बच्चों को कभी भी हीटेड कार में मत छोड़िएगा। हीटेड कार में विद इन 10 मिनट्स कार का जो हीट अगर बहुत ही बाहर रखा है आपने और वो बहुत सन से हीट हो चुका है, तो कार में जो हीट है वो बच्चों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। वो वैसे तो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता ही है, और एडल्ट की बॉडी अगर 5-10-15 मिनट बाद गर्म होती है, बच्चों की बॉडी उससे 4-5 टाइम्स पहले ही गर्म हो जाती है।
तो ये बहुत ही फैटल होता है किसी के लिए भी, बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही फैटल होता है। इसलिए कभी भी बच्चों को अनअटेंडेड हॉट कार में मत छोड़िए, उन्हें वहाँ पर छोड़ के किसी दुकान में या कहीं मत जाइए। उससे बेटर ये होगा कि आप कार से उतार कर उनको अपने साथ ले जाइए, भले ही बाहर गर्मी हो लेकिन हीटेड कार में बिल्कुल मत छोड़िए, वो बहुत ही डेंजरस होता है बच्चों के लिए। नाउ द पॉइंट कम्स ऑफ मसाजिंग। अगर आप 2-3 साल 4 साल के बच्चों को मसाज करते हैं तो कोशिश कीजिए कि पहले तो समर में मसाज का जो ड्यूरेशन है वो घटा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जब आप मसाज करते हैं बेबी को तो उसका बॉडी फ्रिक्शन से, रगड़ से और भी गर्म हो रहा है। तो आपको यहाँ बहुत हद तक अगर आप 15 मिनट का मसाज देते हैं तो उसको रिड्यूस कर दीजिए 7-8 मिनट में। बस आप मसाज करके उसे आप अच्छा से एक बात दे दीजिए, मगर कोशिश कीजिए ड्यूरेशन बहुत ही कम रखिए। उसके अलावा आप मसाज किस चीज़ से करते हैं वो भी मैटर करता है। समर में आप कोशिश कीजिए कोकोनट ऑयल या तिल का तेल या बादाम के तेल से ही मसाज करें। यहाँ पर सरसों का तेल बिल्कुल यूज़ मत कीजिए और थिक ऑयल कोई भी बिल्कुल मत यूज़ कीजिए समर्स में। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा कि मैं राजवी को समर से मसाज नहीं करती। खैर अभी तो वो 3.5 साल की हो गई तो उतना मैं मसाज फ्रिक्वेंटली करती भी नहीं हूँ, लेकिन इनकेस करती हूँ समर में तो मैं अगेन मैं कहूँगी ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ सीटाफिल का बॉडी लोशन। तो मैं इसी से 5 मिनट उसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके अच्छे से मसाज कर देती हूँ। ये बेसिकली मैं इवनिंग में करना पसंद करती हूँ, दिन में क्योंकि गर्मी है और ये उसके बाद मुझे मसाज करके नहाना ही पड़ेगा तो वेस्ट हो जाएगा। तो रात को मैं जब उसे 7-7:30 बजे एक बार बाथ देती हूँ, उसके बाद मैं इस क्रीम से उसे अच्छे से 5 मिनट्स तक अच्छे से मसाज कर देती हूँ, कपड़े पहना देती हूँ, अपना डिनर करती है और फिर वो सो जाती है। तो ये प्रैक्टिस मैं फॉलो करती हूँ राजवी के लिए। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप दिन में 2 बार मसाज देते हैं तो अगर आप फर्स्ट हाफ में ऑयल मसाज दे रहे हैं तो इवनिंग में कोशिश कीजिए हल्का करके बॉडी में क्रीम मसाज दीजिए, जो उनकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखेगा और उसके बाद उसको नहाने की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि स्किन में पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है, तो उनका एक सूदिंग स्लीप भी होगा उससे। बहुत सारी पेरेंट्स डाइपर पहनाते हैं बच्चों को, तो कोशिश कीजिए यहाँ पर डाइपर आप कॉटन नैपकिन ही यूज़ कीजिए। अगर आपके बच्चे घर पे हैं तो पहले तो आप उनको कोशिश कीजिए कि ये अगर वो 2 साल के प्लस हो रहे हैं तो उनको हैबिट डाल दीजिए कि सुसु करने के लिए आपको खुद ही बोले, और अगर इनकेस वो नहीं ऐसा बोल पा रहे, कई बच्चे होते हैं जो अपना टाइम लेते हैं, तो नो इशू इसमें, आप उनको कॉटन की नैपकिन पहनाइए और घर में हमेशा ही कॉटन की नैपकिन ही पहनाइए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं देन बहुत सारे कमर्शियल डायपर्स अवेलेबल है मार्केट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और नैपकिन पहनाने से पहले हमेशा कोकोनट ऑयल थोड़ा सा हाथ में लेके उनके पूरे नैपकिन एरिया में रब कर दीजिए, या अगर डायपर रैश क्रीम है तो वो लगा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस समय उनके प्राइवेट पार्ट को बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा करके क्लीन रखना और हाइड्रेटेड भी रखना। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप नहीं करेंगे ये चीज़, बच्चे अगर डायपर बहुत ज़्यादा देर तक पहने रहेंगे तो उन्हें डायपर रैशेस क्रिएट होने लगेंगे। तो उन चीज़ को पहले से ही हम लोग अगर चाहें तो रोक सकते हैं। उसके लिए मैंने जो अपनी बेटी के लिए यूज़ किया था वो यही था कि जब अभी तो खैर राजी थोड़ी बड़ी हो गई है तो वो डायपर नहीं पहनती है, सिर्फ रात को मैं उसे डायपर पहनाती हूँ। वो भी डायपर पहनाने से पहले हम अच्छे से क्लीन करके कोकोनट ऑयल या डायपर रैश क्रीम लगा देते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को पहनाते हैं तो मेक श्योर कि उन्हें कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही हेल्दी अल्टरनेटिव है क्रीम से या किसी भी केमिकल रिलेटेड चीज़ से, तो ये आप ज़रूर लगाइए। और बच्चों को एम्पल ओपन एयर टाइम दीजिए, जितना हो सके बच्चों को जब डायपर खोलते हैं तो 1/2 घंटा 1 घंटा खोल के रखिए ताकि एयर जाते रहे। अगर एयर के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा स्किन, सूखी रहेगी स्किन, तो वहाँ रैशेस पैदा नहीं होंगे। मेक श्योर कि कॉटन डायपर पहनाएं, एम्पल एयर टाइम दें और कोकोनट ऑयल को ज़रूर यूज़ करें। आपके बच्चे सोते हैं तो हम एसी तो अवॉइड कर नहीं सकते हैं क्योंकि अभी समर बहुत ही ज़्यादा स्कॉर्चिंग हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो अगर कंफर्टेबल नींद चाहिए तो आजकल हर घर में ही एसी यूज़ होता है, तो पहले तो आप घर को वेंटिलेटेड रखिए। आप एसी ऑन होने से पहले खिड़की विड़की खोल के रखिए, आराम से घर को ठंडा होने दीजिए। और जब आप सोने जा रहे हैं तो विंडोज़ को क्लोज़ करके एसी को 25-26 डिग्री के टेम्परेचर पे ही मेंटेन कीजिए। इससे कम करने पे बच्चों को कोल्ड एंड कफ पकड़ सकता है, तो इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि एसी का टेम्परेचर 25-26 डिग्री ही मेंटेन करें घर में। सेकेंडली, आप जिस भी रूम में सोते हैं वहाँ पर एक बोल में पानी ज़रूर रखिए। ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जब तक समर में हम लोग एसी यूज़ करते हैं एक बोल में मैं पानी ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि एसी से वाटर लॉस होता है, ह्यूमिडिटी चली जाती है रूम की, तो उस ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है वो बोल में रखा हुआ पानी। आपके बॉडी से एसी पानी ना खींचते हुए बोल में रखा हुआ पानी को ज़्यादा खींचेगा तो उससे आपका बॉडी ड्राई नहीं होगा और आप हाइड्रेटेड रहेंगे। तो ये प्रैक्टिस आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा अलॉन्ग विद अगर आप यूज़ एसी कर रहे हैं तो। एंड द सेम प्रैक्टिस अबाउट पुटिंग ऑन फुल क्लोथ ऑन किड्स या एसी का टेम्परेचर मेंटेन करने वाली बात है, ये आप जब कार में ट्रैवल करते हैं तो भी आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अक्सर टेम्परेचर वेरिएशन से हम लोग को हमेशा ही
कोल्ड पकड़ लेता है। अगर आप एसी रूम से बच्चों को निकाल भी रहे हैं बाहर, तो एसी 10-15 मिनट पहले बंद कर दीजिए, बच्चे को नॉर्मलाइज कीजिए, फिर उस रूम से बाहर निकालिए। एंड सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर कार ऑल्सो। कार बंद होने से 5-8 मिनट पहले ही एसी को बंद कर दीजिए, उसके बाद बाहर निकालिए, उससे बच्चों को गर्मी ठंडे से कोल्ड नहीं पकड़ता है। बच्चों को समर हाइजीन के बारे में ज़रूर सिखाइए। वैसे भी 2021 हमें पैंडेमिक से हाइजीन ऐसे भी बहुत कुछ सिखा चुका है, लेकिन समर्स में हाइजीन की जो महत्व है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत ही डस्ट, ग्राइम, स्वेटिंग होता है, तो वो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन को क्रिएट करता है, रैशेज़ को क्रिएट करता है। तो बच्चों को समर हाइजीन ज़रूर बताइए कि आपको नहाना है 2-3 बार, आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, आपको हमेशा अपनी पैरों की, हाथों की क्लीनिनेस पे ध्यान देना है। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आप अपने बच्चों को खेल खेल में ज़रूर समझाइए कि समर हाइजीन क्या होता है एंड वाई वी नीड टू मेंटेन इट। ओके, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखा है कि जब बच्चे खेल के बाहर से आते हैं, या मान लीजिए अपना कोई क्लास करके ही बाहर से आए हैं, तो बच्चे सीधे फ्रिज खोलते हैं और ठंडा पानी का बॉटल निकाल के पी लेते हैं, और उसके 1-2 दिन बाद ही आप देखेंगे बच्चों में कफिंग हो रहा है या उन्हें बुखार आ गया है। तो बेसिकली दिस वी हैव टू स्टॉप। पर्सनली मैं ना तो खुद ठंडा पानी पीती हूँ और ना मैं अपने फ्रिज में एक भी ठंडे पानी का बॉटल रखती हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट कल्चर कि ठंडा पानी इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ। आप नॉर्मल टेम्परेचर में पानी पीजिए, और अगर आपको बहुत शौक है थोड़ा ठंडा पानी पीने का, तो आप घर में मिट्टी की सुराही मेंटेन कीजिए, वेरी गुड फॉर हेल्थ। उसमें आप पानी फिल करके रखिए, बहुत ही अच्छा लगता है पीने में, टेस्ट भी बहुत ऑसम होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मगर फ्रिज के ठंडा पानी आई वुड प्रीफर कि पेरेंट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए बच्चों को पीने के लिए। और कोशिश कीजिए जब भी आपके बच्चे बाहर से आते हैं, तो लेट देम सिट फॉर 5-10-15 मिनट्स अंडर द फैन, ताकि उनकी बॉडी थोड़ा कूल डाउन हो जाए, फिर उन्हें आप पानी दीजिए, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या सुराही का पानी दीजिए। मगर धीरे धीरे करके ये फ्रिज का पानी का हैबिट आप ज़रूर स्टॉप कीजिए, क्योंकि लॉन्ग रन में ये बच्चों के लिए बहुत ही ख़राब होता है। बच्चों को समर्स में अक्सर प्रिकली हीट की प्रॉब्लम होती है, तो पहले तो आप ये सब सारे प्रैक्टिसेस करके आप उन्हें अवॉइड कर ही सकते हैं। इन केस अगर प्रिकली हीट हो भी जाता है, तो बच्चों को कूल रखना बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें कूलिंग ड्रिंक्स पे लाइए, उनकी बॉडी को एम्पल कूल एयर दीजिए, बॉडी को जितना कपड़े से खाली रखेंगे तो उन पर ड्राई होगी, और एयर से वो ड्राई रहेंगे, तो प्रिकली हीट का जो इरिटेशन होता है वो भी कम होगा। प्रिकली हीट पाउडर, मैं पर्सनली उतना पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ किसी भी तरह का, लेकिन आप जब हीट, जब प्रिकली हीट के रैशेस हो ही जाते हैं, तो आपको प्रिकली हीट पाउडर यूज़ करना ही पड़ेगा। एम्पल ओपन एयर टाइम दीजिए, पतले पतले क्लोथ्स पहनाइए, और बच्चे को वेल हाइड्रेटेड रखिए, इससे उनका इरिटेशन भी बहुत कम होगा, और धीरे धीरे वो बहुत जल्दी क्विकली वो अपने इस प्रॉब्लम से निकल भी आएंगे बाहर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीजनल फूड तो बच्चों को देना ही देना है, उसके अलावा भी बच्चों को कुछ सैलड दीजिए, जैसे खीरा, ये वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये बच्चों को बहुत ही अच्छा भी लगता है खाने में, एंड इट इज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो। साथ में अनियन दीजिए खाने, हम लोग सभी जानते हैं कि अनियन बॉडी को हीट होने से बचाता है, तो ये सैलड में अगर अनियन आप इनकॉर्पोरेट करेंगे डेली, तो ये बच्चों का बॉडी को बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। उसके अलावा पुदीने की पत्तियाँ यूज़ कीजिए। अब पुदीने की पत्तियाँ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप लेमोनेड जब बनाते हैं तो क्रश करके उसमें डाल दीजिए, टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा, और मिंट का खाना शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पूरे सिस्टम को ठंडा रखता है, कूलिंग इफेक्ट है इसका, तो बॉडी को ऑटोमेटिकली ठंडा रखेगा ये। उसके अलावा आप हैबिट कीजिए सौंफ को खाने का, खाने के बाद आप बच्चों को सौंफ दिया कीजिए। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, सौंफ का पाउडर बना के रखती हूँ, वो मैं खाने में भी डालती हूँ, और लेमोनेड बनाती हूँ थोड़ा सा उसमें भी डाल देती हूँ, तो जस्ट वो एक टेस्ट टू टेस्ट ऐड करता है, ये आपका डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखता है, आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, और बॉडी को बहुत कूल रखता है। तो ये सिंपल सिंपल कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे बच्चों का हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा समर में। बच्चों का ही मैं नहीं कहूँगी, आप लोग का भी हेल्थ, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आज के समय में लगता है कि इट्स अ कॉल ऑफ आर, हमें एक समर किट ज़रूर मेंटेन करके रखना चाहिए। हमें बच्चों से ही ये मेंटेन कराना चाहिए, ताकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी उन्हें डेवलप हो, और साथ में उन्हें जब जल्दी कहीं निकलना है तो एटलीस्ट वो एक किट जो है वो अपने साथ हमेशा रखें। एक स्मॉल बॉक्स या स्मॉल पाउच बैग को रख लीजिए, और उसमें बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें ज़रूर रख दीजिए। एक पतला कॉटन का टी शर्ट उसमें ज़रूर रखिए, सैनिटाइज़र रखिए, सनग्लासेस रखिए, टिशू रखिए, कॉटन हैंकी रखिए अगर आप प्रीफर करते हैं तो, सनस्क्रीन का एक छोटा बॉटल रखिए। इसके अलावा आप बैंडेड रखिए, अगर कट या ब्रूशेस हो जाते हैं हमारे, तो अगर आपने बहुत देर तक ओपन रखेंगे, समर में वैसे ही स्वेट जाता है, उसमें डर्ट जाता है, तो वो और भी ज़्यादा ही इन्फेक्शस हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप 4-5 बैंडेड रख दें उसमें, ताकि अगर कहीं भी कुछ कट वट हो तो कुछ नहीं तो उसमें रेडली वो बैंडेड को आराम से लगा लें। वाटर बॉटल इज़ मस्ट, क्योंकि हमें हाइड्रेटेड रखना है अपने बच्चों को, तो वाटर बॉटल इज़ मस्ट।
एंड इस समय अपने आप को मॉस्किटो से बचाना बहुत ज़रूरी है। डेंगू मलेरिया सभी फैल रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे या आप जो भी यूज़ करते हैं उसका एक छोटा बॉटल उस किट में ज़रूर रखिए, क्योंकि बना के रख देंगे तो एज अ मदर आपके लिए भी बहुत कंफर्टेबल रहेगा और बच्चे के लिए तो होगा ही। और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डाल दीजिए कि उसको चेक करने के लिए टाइम टू टाइम कि देखो इसमें क्या क्या खत्म हुआ है और क्या क्या ऐड करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस भी डेवलप होती है और बच्चों को ये भी पता चलता है कि दिस थिंग्स आर टू मच ऑफ इम्पॉर्टेंस फॉर अस। हमें अपने आप को बचा के रखने के लिए बहुत तरह की बीमारी से, समर के हीट रैश से या किसी भी तरह की चीज़ों से, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ होती है ये बचा के बहुत रखते हैं हमें। सो दीज आर सर्टन थिंग्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी और जो मैं खुद अपने लाइफ में यूज़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए, खुद के लिए, क्योंकि मैं आपसे वही चीज़ शेयर करना पसंद करती हूँ जिस पे मेरा विश्वास है। मैं कभी भी मिसगाइड करने पे बिलीव नहीं करती हूँ और मैं फॉल्स होप देने पे भी बिलीव नहीं करती हूँ। तो मैं ये सारे प्रैक्टिसेस घर में फॉलो करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। हो सकता है किसी में कुछ पॉइंट्स मैं मिस कर रही हूँ, तो अगर आपके पास वो पॉइंट्स हैं प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं भी अपनी बेटी के लाइफ में उसे यूज़ कर पाऊँ, अपने घर में अपने परिवार में यूज़ कर पाऊँ। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस एफर्ट को प्लीज़ एक थम्स अप दें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और भी अच्छे अच्छे वीडियो, एडुकेशन इन्फॉर्मेशन और अच्छे अच्छे टिप्स जानने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज़ रेनू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। नमस्ते।